हर वो जुबान, हर वो शख्स, हर वो चेहरा, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या जवान, हर लोग श्रद्धा से बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी बात पूरी होते ही पूरी होती है। लिहाजा इसके लिए ही लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू होता है। बता दें कि यहाँ पर मंदिर की विधि व्यवस्था के लिए, रख रखाव के लिए, विकास के लिए जो कमेटी का निर्माण कराया गया था, मंदिर न्यास कमेटी का निर्माण है, जिसके पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। हाल के दिनों में नई कमेटी का गठन किया गया है जी। मतलूपुर खगेश्वरनाथ मंदिर का जो इतिहास है वो क्या रहा? देखिए, बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर का इतिहास जी लोग सब जानते हैं जी कि आप रूपी जिसमें से कोई इसको स्थापना और जगह मंदिर की स्थापना होती है, इसका सब ये जो है स्वयं अपने से स्फूर्त है जी। अब कब से हैं ये अभी तक इसका प्रमाणिक नहीं हुआ, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जी उसने इतना कह दिया है कि 500 वर्ष से पुराना मंदिर जी। ये तो हो गया 500 वर्ष से पुराना है जी, इतना चीज तो है। अब कितना पुराना है कि राहुल सांकृत्यान एक बार आए थे इस क्षेत्र में जी, तो वो मंदिर में आए थे तो उस मंदिर का जो ये है क्या कहते हैं दीवाल का जी, जो चौकट है जी, या उस जगह जो देवताओं की मूर्ति है या भीतर जाकर के जो देखे जी, तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर बैद्यनाथ धाम देवघर जो है जी उस काल का है, जितना दिन से बैद्यनाथ उनका है जी। लेकिन अभी यही सब है। तीसरी बात इसमें है कि राम जी तीसरा जो आ रहा है जी, तो सूचनाएं जो इकट्ठी हो रही है जी कि राम जी जब वहाँ से विश्वामित्र मांगे ना राम जी को जी, कि बक्सर में तारका अति करते थे ना यज्ञ, तो उनको करने नहीं देता था, तो दशरथ जी से मांग करके लाए कि तीनों को दीजिए जो हमको तारका दत्त करेगा जी। असल तो उद्देश्य कुछ दूसरा था, लेकिन तो वो वहाँ से चले तो बक्सर आए और उसी बक्सर से चले तो हाजीपुर आए। आप जानते हैं वहाँ घाट है कुनारा घाट जी, हाँ वहाँ, और वहाँ से चले हैं तो इसी रास्ते से जनकपुर मालूम हो गया विश्वामित्र को कि वहाँ जनकपुर में यज्ञ हो रहा है जी, जिसमें जनक जी ने सभी तो इन्होंने इनको भी कहा कि आप चलो तुम जनकपुर चलो और वहाँ यज्ञ में भाग लेंगे, धनुष यज्ञ जो था जी। तो चले तो वो इसी यहीं आए थे, शिव जी की पूजा किए, ये कोई दूसरा आदमी नहीं लक्ष्मण किलाधीश जी, जो कि अथॉरिटी हैं राम के अयोध्या के अभी मर गए हैं जी, वो जब यहाँ आए थे रथवाड़ा में तो ठहरे थे जी, यहाँ पूजा करने आए थे जी, वो जब सोए रात में उनको स्वप्न हुआ कि तुम जो पूजा करने गए हो वहाँ राम, चूँकि राम के भक्त, तो सुबह में उन्होंने लोगों को कहा भाई उस जगह फिर हमको ले चलो, तो राम जी वहाँ आए थे जी। ये है। तो चौथी बात है कि उनको सब नाग पास में बांध लिया था ना जी, और पाताल में ले गया था और मारने को था, तो अब हनुमान जी बहुत चिंतित हो गए कि कैसे ही भगवान को बचाया जाए, तो हुआ कि इसको तो काट सकता है वो गरुड़ ही जी, तो गरुड़ के पास पहुँचे तो गरुड़ को कहे कि चलो तुम्हारे ही इष्ट हैं जी, राम जी तो विष्णु के अवतार है ना जी, तो विष्णु हैं तुम्हारे, चूँकि विष्णु क्या सवारी है गरुड़ जी, तो उसके मालिके हो गए, तो कहा कि तुम्हारे जो मालिक है उनको बांधे हुए हैं और चलो उनको, तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि गरुड़ को कि हमारे मालिक को विष्णु को कोई बांध सकता है जी, कौन सकती है, नहीं नहीं जब झूठ के, तो भी लोग समझा उमझा कर लाया और उनको बांधे हुए था वो काट करके फ्री किया, लेकिन उसको शंका हो रही गई, तो उस शंका के निवारण के लिए लोगों ने कहा कि तब ये हम लोग का बात मान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, और लोग ये हनुमान जी भी समझा, तो देखा कि राम के बारे में राम के इष्ट हैं शिव जी और शिव के इष्ट हैं राम, जिसको शिव जी के पास बोलते हैं, तो वो आया यहीं इसी जगह, शिव जी से मुलाकात हुई, शिव जी ने उसको बहुत समझाया
कि राम जो है सो विष्णु के अवतार है, तुम्हारे मालिक हैं जी, वही है। लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ, तो ये देखा कि पक्षी है ना हमारा बात नहीं समझ रहा है, तो इसको भेजा वहाँ काक भुसुंडी क्या कि पक्षी पक्षी एक बात सुन सकता है, एक जात दूसरे अपने जात का। तो ये जब काक भुसुंडी के यहाँ गया वो गरुड़ जी, वहाँ जब कथा सुना है राम की कथा जी, वो काक भुसुंडी भी इनका, तब उसको विश्वास हुआ कि नहीं राम जो है सो विष्णु है। तो उस ख्याल से भी ये महत्वपूर्ण है। और राम जी जब गए हैं इसी रास्ते अहिल्या स्थान गए हैं जी, अहिल्या उधार में फिर जनकपुर गए हैं जी, वो है। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा खगेश्वर नाथ महादेव। तो इसका कुछ प्रमाण मिला है इस चीज़ का? हाँ, बहुत सी किताबें सब जगह सूचना सब आ रही है, जो जैसे लोग करें कल्याण में है, शिवांक में है जी, सब कई चीज़ों में इसके बारे में एकदम, जो गीता प्रेस गोरखपुर से कई प्रमाणिक चीजें आई, कई चीजें हैं और भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और पूरा तत्व विभाग भी जो इस पर तो लिख करके हमको दे दिया जी, दे दिया कि काफी पुराना करवाए थे ना, खुदाई हम लोग करवाए थे। तो लगातार इसी कारण से लोगों का यहाँ पर झुकाव बना रहता नहीं, इस ये तो इतिहास हुआ जी, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं जैसे हम ही हैं जी, हमको आज तक किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी तरह 90 वर्ष हम हो गए हैं जी, और सब कुछ स्वस्थ है, इन्हीं की कृपा न होगी और किसकी कृपा जी, बिल्कुल है जी। सब लड़का फड़का सब अपने किसी, इनके सामने भी हम हाथ नहीं फैलाते जी, हाँ हम कुछ हम केवल कहते हैं आप कृपा रखिएगा, कोई हाथ फैलाएगा मांगेगा बेटा बेटी धन तो वो तो व्यापार हो गया जी, कि आपके से जो हम कुछ लेना चाहेंगे तो हम व्यापार कुछ देंगे, लेकिन वो नहीं करना, व्यापार भगवान से नहीं करना, बस श्रद्धा बनाए रखना है, कृपा इनकी होनी चाहिए। और जो लोग कृपा उस भाव से यहाँ आता है जी, उसकी की मनोकामना पूरी होती है जी, इसीलिए यहाँ भीड़ है कि मंदिर में आते हैं, और आप देखे ही होंगे जी, तीर्थ स्थल की तरह हो गया है आजकल तो रोज, पहले तो हम लोग रविवार और सोमवार या बसंत पंचमी या शिवरात्रि, आजकल तो देखते हैं रोज अब तीर्थ स्थल के लोगों का भीड़ लगा रहता है। रामनाथ कोविंद जब राज्यपाल थे वो आए थे जी, मोदी जी आए हुए हैं जी, और सब लोग श्री मोहन भागवत जी यहाँ आए जी, और जितने भी लोग हैं जब आते जाते हैं, अभी रामनारायण मंडल जी आए जी, प्रभावित जो रेवेन्यू का इसको हम लोग ले आना चाहते हैं सरकार के, और सरकार के अंदर तो है ही जी, फिर अब मेला उला भी सरकारी तंत्र में आ जाएगा जी, पर्यटक का रूप दिया जाने का, पर्यटक के रूप में तो वो अलग एस्पेक्ट है जी, पर्यटक का तो अलग है, ये जो मेला की व्यवस्था जो है जी वो सरकारी तंत्र के अंदर चलेगा, सरकारी जो सिस्टम समिति जी, लेकिन पूरा सरकारी नियम हुआ गवर्नमेंट सिस्टम के तहत चलेगा, हाँ सिस्टम से जी, देखना तो यहीं के लोगों को, लिहाजा उनके अनुभवों के आधार पर उन्हें इस मंदिर का संरक्षक बनाया गया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ यहाँ पर चलता रहता है। अब तक जितने भी मंत्रियों का आना यहाँ पर शुरू हुआ है, आपको बता दें कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर आ चुके हैं, साथ में डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं, लगातार मंत्रियों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है, हर कोई ने माना है, हर शख्स ने माना है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो अद्वितीय है, लिहाजा बिहार की सरकार इसको पर्यटक के रूप में विकसित करने के लिए भी घोषणा कर चुकी है, कहा जाता है कि हाल के दिनों में इसका सर्वेक्षण भी कराया गया है, लगातार मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास के लिए काम किया जा रहा है और मतलूपुर ग्राम को पर्यटक का रूप देने की कोशिश की जा रही है, इसके प्लान बनाए जा रहे हैं, एक्शन प्लान पर काम चल रहा है, हाल के दिनों में लगातार इस मंदिर का विकास भी होगा, वजह सिर्फ यही है कि बाबा का अद्वितीय रूप अद्वितीय शक्ति, जहाँ शक्ति है वहाँ भक्ति देखेगी, जहाँ भक्ति है जहाँ श्रद्धा है वहाँ निश्चित ही नए संस्कार की बात होती है। दीपक कुमार तिवारी A to Z न्यूज लाइव मतलूपुर बंदराम मुजफ्फरपुर बिहार।